झूठों का पुलंदा। कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश क्या किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे। ये तो झूठी पार्टी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है, वहाँ पर झूठ की डिग्री करवाते हैं ये। और वो झूठ की डिग्री जिन्होंने कर रखी है वही इनके लीडर बनते हैं। तो कलाल में कांग्रेस कैंडिडेट के बोल बिगड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा है कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा और बीजेपी वालों से कान मरोड़ के काम करवाऊंगा। इससे पहले भी कई नेता इस तरह की बातें कर चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए ये इनका कल्चर है। जब इनका शासन रहा इन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गुंडागर्दियां की हैं इन्होंने। और ये बार बार इनका एक एक जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि भी नौकरियां बेची जाती है कांग्रेस के राज में। सिरसा में कुमारी शैलजा प्रचार करने पहुंची। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, भाजपा के खिलाफ माहौल है, वो सरकार बनाएगी कांग्रेस। वही तो, कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस ये कहेगी कि हम हार रहे हैं। कांग्रेस तो यही कहेगी। शैलजा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। अब देखिए पहले ये कहते थे कि हम किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दौड़ लगी हुई है अपना अपना चेहरा आगे करने की। कभी शैलजा करती है, कभी दुपिंदर हुड्डा करता है, कभी सुरजेवाला करता है और कभी बंदर सिंह हुड्डा करता है। आपने भी मुख्यमंत्री पद का दावा किया था, अभी भी उस प्रकार में? मैंने दावा नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि अगर हाईकमान मुझे बनाएगी तो मैं उस दायित्व को अच्छे ढंग से निभाऊंगा और हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। झूठों का पुलंदा। कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश क्या किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे। ये तो झूठी पार्टी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है, वहां पर झूठ की डिग्री करवाते हैं ये। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।